गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द दस अनुपम पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। दस अनुपम पब्लिक स्कूल डग की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आप इस ऑनलाइन क्लास में पूरी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। इस सब्जेक्ट के माध्यम से आज हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी क्लास सेवन्थ का जो डेमोक्रेसी सिक्स का फर्स्ट लेसन है, आज हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी मन लगाकर इसको अच्छे से रीड करेंगे और पूरी तरह से इसको समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी जो है वह हमारे देश की ऐसा, हमारा देश जो है वह डेमोक्रेटिक इंडिया माना जाता है, अर्थात हमारे देश ने डेमोक्रेसी को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया है। डेमोक्रेसी के बारे में तरह तरह के जो एक्सपर्ट, तरह तरह के जो विद्वान हैं, उन्होंने तरह तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो सर्वसम्मति से, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द बाय अब्राहम लिंकन के अनुसार डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र इज द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है वह एक सरकार है, ऑफ की द पीपल, लोगों की सरकार है, बाय द पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, लोगों की सरकार। अर्थात अब्राहम लिंकन के अनुसार डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल। अर्थात जनता का, जनता पर, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। बच्चों, डेमोक्रेसी जो है अब्राहम लिंकन के अनुसार जो डेफिनेशन है वह यह मानी जाती है कि जनता का, जनता पर, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पॉपुलेशन होती है, जनता होती है, वही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अर्थात अपने प्रतिनिधियों को इलेक्ट करती है, चुनती है, ताकि वो उनके ऊपर शासन कर सकें। इस अध्याय में हम डेमोक्रेसी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करें। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन नंबर फर्स्ट है डेमोक्रेसी जो है उसको हम निम्न तरह से आज रीड करेंगे। इन सिंपल वर्ड, डेमोक्रेसी मीन्स द रूल बाय द कॉमन पीपल। द इज कॉमन पीपल यानी कि साधारण लोग। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ होता है अपने प्रतिनिधि, अर्थात इसमें जो है जनता जो है वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करती हैं, अर्थात इसमें लोग जो हैं वह अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का खुद इलेक्ट करते हैं। द पीपल आर ऑल सुप्रीम। इसमें जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वह सुप्रीम होते हैं, एंड सोवर्न, एंड नोबडी इज़ अबव देम। अर्थात इसमें जनता जो होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्ट करती है, उनको चुनाव करती है। थ्रू आउट द मीडियम्स ऑफ इलेक्शंस दे कैन चेंज एनी गवर्नमेंट दे लाइक। जनता जो होती है वह किसी भी गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है, अर्थात वह किसी भी सरकार को बदल सकती है, क्योंकि इसमें जो पावर जो होती है, शक्ति जो होती है, वह जनता के हाथों में होती है। द वर्ड डेमोक्रेसी, द वर्ड जो डेमोक्रेसी शब्द जो है, लोकतंत्र जो शब्द है डेमोक्रेसी, इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस, जो ड्राइव्ड किया गया है, अपनाया गया है, फ्रॉम द वर्ड डेमोस, जो दो शब्दों, डेमोक्रेसी जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, डेमोस मीनिंग पीपल, द
यानी कि डेमोस का अर्थ होता है पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिसका अर्थ होता है डेमोस का अर्थ पीपल और क्रेटोस का अर्थ होता है गवर्नमेंट। हेंस डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे विल नॉन डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय द अब्राहम लिंकन। बच्चों अपनों ने फर्स्ट में ही बता दिया था मैंने कि अब्राहम लिंकन ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो इस तरह है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता का जनता पर जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। इक्वालिटी एंड फ्रीडम, समानता, इक्वालिटी का अर्थ होता है बच्चों समानता एंड फ्रीडम स्वतंत्रता आर टू पिलर्स, पिलर्स का मतलब होता है स्तंभ ऑफ डेमोक्रेसी। समानता और स्वतंत्रता डेमोक्रेसी के दो आधार माने जाते हैं, क्योंकि जब तक किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में बच्चों ना तो इक्वालिटी होगी ना फ्रीडम होगी तो कभी भी वह डेमोक्रेटिक स्टेट डेमोक्रेटिक नेशन नहीं हो सकता। इसलिए हमारे देश में हमें जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसमें सबसे पहले ही हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो इक्वालिटी का, अर्थात जेंडर कास्ट एरिया लैंग्वेज सबके आधार पर सबको राइट टू इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है। इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड ईच वन शुड इंजॉय द सेम बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी का अर्थ यह है कि भारत के सभी नागरिक कानून के समान सरकार के समान एक जैसे इक्वल हैं और वह किसी भी तरह की जो किसी भी तरह की वस्तु है या किसी भी तरह की कोई सी भी बात है या कानून जो है सबको एक तरह से फ़ायदा देगा और सबको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है, इसको ही इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑलवेज इंश्योर्स दैट इज द सिटीजन आर गारंटेड देयर फंडामेंटल राइट विच आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो होता है वो अपने सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स देने की गारंटी देता है। समझ में आया बच्चों, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ लॉ एंड रूल्स बेस्ड ऑन द विच ए पॉलिटिकल यूनिट इज द एडमिनिस्ट्रेटर, अर्थात संविधान जो है वह ऐसी व्यवस्था करता है ऐसे नियम बनाता है कि प्रशासनिक रूप से सभी को आगे बढ़ाया जा सके राजनीतिक रूप से सभी को आगे बढ़ाया जा सके। मोस्ट कंट्रीज, अधिकतर देशों में इन द वर्ल्ड आज टूडे हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, आज दुनिया के अधिकतर देशों में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको अपनाया गया अर्थात लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसके उदाहरण है फॉर एग्जांपल इंडिया, जिसका जो पहला उदाहरण है वो हमारा भारत, अमेरिका, फ्रेंच ETCR डेमोक्रेसीज, जहाँ इंडिया हो अमेरिका हो फ्रेंच इन सभी देशों ने आज डेमोक्रेसी को अपनाया है। तो बच्चों ये समझ में आया, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे यहीं तक ही रीड करेंगे। तो आज हमने डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा की, मुझे विश्वास है कि आप पूरी ध्यान से मेरी बात को आपने सुना और आप अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपका सोशल स्टडीज़ अर्थात आपको सामाजिक अध्ययन के बारे में अधिक से अधिक बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़ें। मैं आपका सोशल स्टडीज़ का टीचर अशोक शर्मा, द सन पब्लिक स्कूल डक, पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि आपने ध्यान लगाकर पढ़ा होगा। सो थैंक्स एंड आप पूरी तरह से इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। सो धन्यवाद।